फाइंड द कार्टेशियन एज वेल एज वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स आर वेक्टर डॉट टू आई कैप प्लस सिक्स जे कैप प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड आर वेक्टर डॉट 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप इज इक्वल टू 0 विच आर एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमें पता है कि ये दोनों के इंटरसेक्शन से पास, दो प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन से पास करने वाले प्लेन की जो इक्वेशन होती है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं पी वन प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ पी टू, तो लेमडा टाइम्स ऑफ पी टू। अब यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में हमें इक्वेशन दे रखे, तो वेक्टर फॉर्म को हम क्या करते हैं, पहले कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप, जैसे ही डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगी टू एक्स प्लस सिक्स टाइम्स ऑफ वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली प्लेन 2 क्या हो जाएगा, प्लेन 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x माइनस y प्लस 4 टाइम्स ऑफ z इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी दो प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी। तो हमारा जो जनरल p प्लेन होगा वो क्या है, वो है p1 प्लस लैम्डा p2, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, वो जाएगा 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा इनटू x प्लस 6 माइनस लैम्डा इंटू वाई प्लस 12 माइनस 4 लैम्डा इंटू जेड इट इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गई, हमारी प्लेन की इक्वेशन हो गई है। नाउ लेट सी, अब हमें क्या गिवन है, ये प्लेन है, ये ओरिजिन से किस डिस्टेंस पे है, यूनिट डिस्टेंस पे है। तो इस प्लेन की हम ओरिजिन से डिस्टेंस क्या कर देते हैं, यूनिट के इक्वल कर देते हैं। डी क्या हो जाएगी, तो डिस्टेंस डी फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले हम उसमें पॉइंट पुट कर देंगे। तो अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हमने प्लस 12 नहीं लिखा, ये एक मिस्टेक है, हमने इक्वेशन लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। क्या मिस्टेक करी है, आई विल शो यू, कि जैसे हमने 6 माइनस लैम्डा किया था तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस 12 ओनली और यहाँ पे आएगा माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा जेड, तो प्लस 4 लैम्डा जेड प्लस 12 इज इक्वल टू 0। हमने क्या करा था, यहाँ पे 12 प्लस 4 लैम्डा जेड कर दिया था, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। 12 क्या है, एक कांस्टेंट है, तो वैसे ही रहेगा। नाउ अब डिस्टेंस की वैल्यू क्या जाएगी, d इज इक्वल टू 12 अपॉन, क्योंकि x y z हमने तीनों जीरो पुट कर देते हैं फॉर्मूले में, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, 2 प्लस 3 लैम्डा का होल स्क्वायर, 2 प्लस 3 लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर, फिर आएगा प्लस में क्या, 4 लैम्डा का होल स्क्वायर व्हिच इज 16 लैम्डा स्क्वायर, और डिस्टेंस किसके इक्वल है, इक्वल टू 1 है। और सिंपलीफाई कर लेते हैं इसे, तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा तो स्क्वायर करने से क्या होगा, ये स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इट इज इक्वल टू 144 अपॉन 2 प्लस 3 लैम्डा का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 लैम्डा का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 12 टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12 टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 टाइम्स ऑफ लैम्डा स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 1। हम यहाँ से वैल्यू क्या जगह अगर हम देखेंगे तो यहाँ से आ गया 144 अपॉन लैम्डा स्क्वायर के टर्म क्या है, 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इज 10 लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर इज 26 लैम्डा स्क्वायर, तो आएगा 26 लैम्डा स्क्वायर, फिर आएगा क्या, 4 प्लस 36 इज वॉट 40, तो आएगा प्लस 40 एंड देन लैम्डा वाली टर्म्स क्या क्या है, 12 लैम्डा माइनस 12 लैम्डा, तो क्या हो जाएगा, ये 0 और इट इज इक्वल टू वॉट 1। तो यहाँ से क्या गया, 26 लैम्डा स्क्वायर प्लस 40 इज इक्वल टू 144, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते इक्वेशन हो जाएगी 26 लैम्डा स्क्वायर प्लस 40 इज इक्वल टू 144, तो 26 लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या गई, 104, तो 26 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 104, तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या गई, इसे सिंपलीफाई करेंगे तो जाएगा 52 अपॉन 13, 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, जैसे 2 से डिवाइड किया 52 अपॉन 13 की वैल्यू क्या हो जाती है, इट इज इक्वल टू 4, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो सकती है, आइदर प्लस और माइनस 2। तो हमारा जो प्लेन पी है उसकी इक्वेशन क्या जाएगी, तो प्लेन पी की इक्वेशन जाएगी, प्लेन पी इज इक्वल टू व्हाट, हमारा पहला प्लेन P1 की इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस 6y प्लस 12, तो अगर 2x प्लस 6y प्लस 12, फिर आएगा प्लस माइनस लैम्डा इंटू P2 क्या है हमारा, P2
P2 की इक्वेशन है, 3x माइनस वाई प्लस 4z, तो अगर 3x 3x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे प्लेन की इक्वेशन हो गई। तो यहाँ से हमारे पास में दो प्लेन आएंगे, तो एक बार जब हम प्लस साइन लेंगे तो प्लस साइन के साथ में एक प्लेन आएगा और एक बार नेगेटिव साइन के साथ में एक प्लेन आएगा। तो प्लस साइन के साथ में प्लेन क्या आएगा, 2x प्लस 6x इज 8x, 6y और फिर क्या होगा, 6y प्लस 2 इंटू माइनस वाई इज माइनस 2y, तो जाएगा प्लस 4y एंड देन 2 इंटू 4z इज प्लस 8z और प्लस 12 आगे है ही सही, तो प्लस 12 इज इक्वल टू 0। नाउ सिमिलरली माइनस साइन के साथ में क्या हो जाएगा, 2x प्लस 6y प्लस 12 और फिर आएगा माइनस 6x, तो 2x माइनस 6x इज व्हाट, माइनस 4x, फिर क्या होगा, 6y प्लस 2y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 8y एंड देन माइनस 2 प्लस 4z इज माइनस 8z प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे दो प्लेन आ गए, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये हमारे दो प्लेन है जो यूनिट डिस्टेंस पे हैं और गिवन लाइन से, इंटरसेक्शन लाइन से पास भी करते हैं।